ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। हमारा चैप्टर वेदरिंग द स्टोन इन एरेसिमा चल रहा था, जिसमें हमने यहाँ तक रीड किया कि प्रशांत अपने घर से, अपने फ्रेंड के घर से अपने घर की ओर निकल लेते हैं, जो कि 18 किलोमीटर है। और रास्ते में उसको अंकल के दो फ्रेंड मिलते हैं। अब वो किस तरह से अपने घर पहुँचता है वो हम देखते हैं। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. तो वहाँ पर जब भीड़ में उसने देखा तो सबसे पहले उसकी जो नानी थी वो उसको वहाँ पर नजर आई, जहाँ अपनी पेरेंट्स को ढूंढने के लिए गया था। वीक विद हंगर, जो कि भूख के मारे बहुत ही कमजोर हो गई थी। शी रश टू हिम, वो उसकी ओर दौड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, हर आईज ब्रीमिंग, वे अपने हाथ फैलाए हुए, आंखों से आंसू तीव्र गति से निकल रहे थे, उसकी ओर आगे बढ़ी। इट वॉज ए मिरेकल, ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था हमारे लिए। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से उनको डेथ मान लिया था, उनको ये लगा कि मर चुके हैं। तो जब किसी की इस तरह लगे, अचानक को जीवित मिले, तो कितने सरप्राइज की बात होती है। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गेदर अराउंड हिम एंड हग्ड हिम राइट इन रिलीफ। शीघ्र ही ये समाचार फैल गया और उसके परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो उसके पास आकर चारों एकत्रित हो गए। प्रशांत एनेक्सेसली स्कैंड द मोटली बेटर ग्रुप, तो प्रशांत ने बड़ी चाहत वाली दृष्टि से उस रंग बिरंगे जो एविस्तिक दल था उसको देखा, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे। His brother and sister, his uncle and aunt, they all seem to be there. उसने वहाँ पे अपने चाचा चाची भाई बहन सभी को वहाँ पर देखा, लेकिन उसको लगा कि यहाँ पे जो कैंप है ये प्रॉपर रूप से नहीं चल रहा है। तो देखो प्रशांत ने क्या किया। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over him. Next morning, जब वो उस शरण स्थल की स्थिति का उसने जायजा किया तो उसने अपने ऊपर काबू करने का निश्चय किया कि मैं यहाँ पर देखभाल करूँगा और यहाँ पर इनकी हेल्प करवाऊँगा। He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. उसने जो शरण स्थल था उसमें लगभग 2,500 लोगों के भीड़ के दुख को वहाँ पर देखा। लगभग 2,500 लोग उस शरण स्थल में आए हुए थे, तो उनके दुखों को प्रशांत ने महसूस किया। 86 lives were lost in the village. 86 लोगों का जीवन गांव में समाप्त हो चुका था। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द सेल्टर, इस सेल्टर में शरण स्थल में ये उसका फोर्थ डे था। सो फार दे हैड अराइव्ड ऑन ए ग्रीन कोकोनट, बट देयर वर टू फ्यू टू गो ग्राउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। ये जो शरण स्थल था इसमें उसका चौथा दिन था और अभी तक उन्होंने उनकी तेज बारिश और हवा के कारण जो नारियल के पेड़ टूटकर उनकी छतों के ऊपर गिर गए थे, अभी तक उन्हीं नारियल्स को के पानी पीकर उनको खाकर उन्होंने अपना जीवन सर्वाइव किया था। तो इतनी बड़ी अपार भीड़ के लिए उनकी संख्या अब यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा था जैसे कम पड़ रही है। प्रशांत ओलो 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टे इन ए लीडर ऑफिस विलेज इफ नो वन एल्स डिड। तो
जब कोई दूसरा व्यक्ति गांव में नेता नहीं बना, कोई आगे नहीं आया, तो प्रशांत ने अपने गांव का नेता बनने का निश्चय किया कि अब मैं नेता बनूंगा और इन लोगों को का नेतृत्व करूंगा और इनकी हेल्प करूंगा। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइज। तो उन्होंने संयुक्त रूप से गांव के जो व्यापारी थे उनको एक बार फिर से चावल बांटने के लिए, दबाव देने के लिए जो नवयुवक थे या वृद्ध पुरुष थे उनको संगठित करके और एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी इन लोगों की खाना खाने में उनकी सहायता करें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सेसफुल एंड रिटर्न ट्रिम्पेंटली वेडिंग थ्रू द रेसिडिंग वोटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। तो इस बार उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनको सफलता मिली और पानी के गिरते हुए स्तर के जो मध्य शरण स्थल थे उनको खाद्य सामग्री लेकर विजय होकर लौटे, क्योंकि जो लोग पानी में से पीड़ित थे उन लोगों के लिए वहाँ से भोजन की व्यवस्था करके और वो सफल हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फोर डेज नो वन केयर्ड दैट द राइस वाज ऑलरेडी रोटिंग। इस बात की किसी ने परवाह नहीं की कि चावल पहले से सड़ा हुआ है। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। तो देखो वृक्षों की जो शाखाएं गिरी हुई थी उनको इकट्ठा करके उन्होंने नीचे आग जलाई जिसके के ऊपर चावल को पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फोर डे, चार दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। मतलब चार दिन में पहली बार इस शरण स्थल पर जो लोग पीड़ित थे उन्होंने पहली बार भरपेट खाना खाया। एंड यूरिन वॉमिट। दिस नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स। उनका जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि वॉलेंटियर्स की टीम बनाई जाए और जिस टू क्लीन द सेल्टर ऑफ फिल, जिससे गंद वहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो रही थी उसको साफ करना, यूरिन को साफ करना, वोमिट इधर उधर लोगों ने वोमिट कर रखी थी, फ्लोटिंग कारकेसेस डेड बॉडीज जो कि पानी में तैर रही थी उनको साफ करना, एंड टू टेंड द वाउंड्स एंड द फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और ऐसे लोग जो कि किसी कारण से घायल हो गए थे तो उनको जैसे मरम पट्टी करना, घावों पे दवाई लगाना, ये उसका उद्देश्य था। तो अब उसने कुछ लोगों को इसके लिए तैयार किया और सेल्टर की साफ सफाई करवाना एंड वहाँ के जो पीड़ित जो लोग हैं उनकी मरम पट्टी करवाना, इसका उसने डिसाइड किया कि अब इस काम को करने में हमें करना है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि किस तरह से 19 ईयर्स का बच्चा वो किस तरह से पूरे विलेज का लीडरशिप कर रहा है एंड लोगों की हेल्प कर रहा है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हाउ टू हेल्प इन ट्रेबल विद अदर्स, हमें दूसरों की किस तरह से सहायता करनी चाहिए। ऑन द फिफ्थ डे ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल। पांचवें दिन सैन्य वायुयान शरण स्थल के ऊपर उड़ा, एक हेलीकॉप्टर वहां पर आया और कुछ खाने के पैकेट भी गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न। उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आए। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। तो युवा कार्यस्थल पर शरण स्थल से जो खाली बर्तन थे उनको उठा लाए एंड दे डेप्टेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाई द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमक टू कंटिन्यू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। फिर प्रशांत ने क्या दिमाग लगाया कि वो खाली बर्तन ले आए वहाँ से और जो बच्चे थे उनको जैसे आप बुक में देख सकते हैं और पेट पर रखकर सारे लेट गए ताकि हेलीकॉप्टर्स जब ऊपर से जाएँ तो
इन बच्चों को देखकर ये समझ जाएं कि ये भूखे हैं और भोजन की आवश्यकता है। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑन द शेल्टर। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया और उसके बाद रेगुलर वहाँ पे आने लगा हेलीकॉप्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड। फिर भोजन और अन्य जो सामग्री की चीज़ें थी वो नियमित रूप से उनके लिए आने लगी। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।